तो आज आर्क सर्वाइवल का एपिसोड इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आर्क सर्वाइवल में अपना एक बड़ा बेस बना रहा हूँ जिसको बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कुछ टाइम के अंदर आर्क सर्वाइवल का एपिसोड आ जाएगा। तो तब तक इंटरनेट कैफे सिम्युलेटर की सीरीज को एंजॉय करो। हेलो, स्वागत आप सभी का इंटरनेट कैफे सिम्युलेटर के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस आ चुके और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम अपने इंटरनेट कैफे को वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेट कैफे बनाने वाले। सिर्फ इंटरनेट कैफे ही नहीं, हम अपने कैफे को वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग पार्लर बनाने वाले हैं और उसको बनाने के लिए ना काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। वैसे पैसे का तो मैंने जुगाड़ कर लिया हूँ और वो भी बड़ी आसानी से, क्योंकि लास्ट एपिसोड में अगर तुम लोगों ने देखा तो मैंने एक बढ़िया वाला अमाउंट माइनिंग रिग के अंदर इन्वेस्ट किया था। मतलब अच्छे खासे पैसे मैंने माइनिंग रिग के अंदर इन्वेस्ट किए थे और अभी काफी ज्यादा देर से मैं गेम सिर्फ ऑन करके वेट कर रहा था कि जल्दी से मेरे पास में बिटकॉइंस जमा हो जाए। तो अभी अगर तुम लोगों को मेरे पास में कैश बताऊं तो अभी मेरे पास में 14,581 डॉलर्स है और इतने में तो बेस्ट गेमिंग पार्लर बनेगा नहीं, अपने को ज्यादा ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी फटाफट से चलते हैं हम अपनी शॉप पर। और एक और चीज, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करोगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि अभी आने वाले टाइम में और भी काफी ज्यादा बढ़िया गेम प्लेज और काफी ज्यादा बढ़िया सीरीज आने वाली। और सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करना। और लास्ट एपिसोड में ना कंप्यूटर्स की कुछ दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमने एक फ्लोर को अपग्रेड किया था, तो मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को कुछ इस तरह से सजा दिया हूँ यहाँ पर, ताकि पूरे के पूरे पीसीज यहाँ पर आ जाए। और इधर लाइंस है ना, मैं अभी काफी सारे गेमिंग कॉन्सोल्स लगाने वाला हूँ क्योंकि ये सारे के सारे पीसी जब मैंने यहाँ से सजाया ना इस लाइन से, तो वो काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे मेरे को, उसमें मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने सारे के सारे सिस्टम्स को ना यहाँ पर लाइन से लगा दिया हूँ। अब जितने भी गेमिंग कॉन्सोल्स हो गए वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे और कुछ मशीनें यहाँ पर लगाऊंगा या फिर इधर साइड में मैं वीआर का कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तो हम ऊपर का फ्लोर अभी परचेस करने वाले, तो ऊपर के फ्लोर में भी हम वीआर का जुगाड़ कर सकते हैं। पर अभी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑन है या नहीं? यस, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है और यहाँ पर अगर देखोगे तो कंप्यूटर भी चालू है और यहाँ पर जितनी माइनिंग रिग्स थी वो भी सारी की सारी ऑन है। तो लास्ट एपिसोड में काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई माइनिंग रिग की स्पीड क्या है, तो भाई लोग मैंने लास्ट एपिसोड में बताया क्या अपनी जितनी भी ये माइनिंग रिग्स है, मतलब ये एक, ये दो और ये सिंगल सिंगल वाले, तो इसकी टोटल स्पीड कुछ 815 मेगा हैश है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है स्टार्टिंग के हिसाब से। और फटाफट से ना सबसे पहले चेक करते कि हमारे पास में कुछ बिल्स वगैरह पड़े हैं कि नहीं। अभी हमको सारे के सारे पीसीज का प्राइस भी बढ़ाना है क्योंकि अपने अलावा इस शहर में एक भी इंटरनेट कैफे नहीं है और अपने जैसी सर्विस भी अब कहीं नहीं होने वाली है। और उसके साथ में ना मैंने स्टीम से जितने गेम्स थे सारे के सारे गेम्स को परचेस कर लिया है, ताकि बंदे आए तो एक भी बंदे को ऐसा ना लगे कि यार इसके पास में ये गेम है वो गेम है, जो गेम चाहिए वो वाला गेम नहीं है। तो मैंने सारे के सारे गेम ही परचेस कर लिया। और यहाँ पर ना सबसे पहले हम प्राइस बढ़ा देते हैं, तो प्राइस को कर देते हैं वेरी एक्सपेंसिव करूँ या सिर्फ एक्सपेंसिव करूँ। वेरी एक्सपेंसिव कर दिया तो वो कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक काम करते हैं अभी सिर्फ एक्सपेंसिव करते हैं सारे के सारे पीसीस को, कुछ टाइम के बाद ना हम इसको वेरी एक्सपेंसिव कर देंगे। ये पहले एक्सपेंसिव के ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चलो सारे के सारे सिस्टम्स को हमने एक्सपेंसिव कर दिया है, अगर एक्सपेंसिव में भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद वेरी एक्सपेंसिव कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और पीसी 2 का सेटअप कंप्लीट नहीं है बता रहा है यहाँ पर अभी, और कौन सी चीज की कमी हो रही है एक बार जाके मैं चेक करता हूँ। तो पीसी 2 मेरे ख्याल से ये वाला है या ये वाला है, यहाँ पर अगर देखोगे तो सिर्फ माउसपैड की कमी हो रही है, बाकी सब जगह माउसपैड हमने लगा दिया। बस ये वाला माउसपैड ना, मैं जब इधर सारी की सारी चीजें सजा रहा था ना, तो यहाँ पर पता नहीं कुछ तो ग्लिच हो गया, मगर अपने को माउसपैड मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला ना तो मैं एक नया वाला माउसपैड परचेस कर लूंगा। और शायद से माउसपैड ये रहा भाई, वहां कहां चला गया पता ही नहीं चला, और वापस से ग्लिच ना हो जाए। तो एक काम करते इसको ना जमीन पर रखता हूँ, ये सारा का सारा कीबोर्ड माउस वगैरह वो सारा का सारा हटा के ना यहाँ पर हम माउस पैड को सजा देते हैं। और रात का वक्त हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है, यार दिक्कत नहीं है, रात हो या सुबह हमारा ही बिजनेस है, हम कभी भी चलाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अब हो चुका है सेटअप कम्प्लीट। वैसे ये 7 पीसी है, ये 5वां पीसी है, ये 3रा पीसी है, सेकंड वाला पीसी कौन सा है? सेकंड पीसी आ रहे है, सेकंड पीसी ये भाई, यहाँ पर हमने कुछ रखा ही नहीं, बस ये टेबल को इस पे रख दिया ना, बस इसीलिए शो हो रहा है, बाकी तो ये सारे के सारे सेटअप कंप्लीट है, इसके अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं। और हमारे पास में ना 1, 2, 3, 4 और 5 सिस्टम्स है हमारे पास में, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी सिस्टम्स लगा देंगे। मगर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्कर की कुछ सैलरी बची है, इलेक्ट्रिसिटी बिल $253 और गार्ड का बिल बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं $550 देकर इनका टेंशन खत्म करते हैं। अभी 14,028 डॉलर
डॉलर्स अपने पास में है, तो सबसे पहले जाते ही हम क्रिप्टो के अंदर, और क्रिप्टो में जाके अगर एक चीज चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक BTC शो हो रहा है, मतलब एक बिटकॉइन हमने अभी तक माइन कर लिया, और अभी ये 1 से 2 बिटकॉइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नंबर्स देख रहे हो, ये जब एक डिजिट शायद से इसके अंदर और बढ़ेगा या ये 2000 तक क्रॉस करेगा या ऐसा कुछ तो हुआ था जब जाके ये एक बिटकॉइन माइन किया था। अभी यहाँ पर अगर अमाउंट डालूं, यहाँ पर सिर्फ मैं 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो एक बिटकॉइन का प्राइस अपने को कितना मिल रहा है, मतलब ये एक बिटकॉइन नहीं है, एक बिटकॉइन के साथ में ये जितने नंबर्स है ये टोटल बिटकॉइन है, तो इसीलिए अपने को यहाँ पर 32,000 शो रहा है। वैसे अभी ना बिटकॉइन का प्राइस 4% गिर चुका है, इसका प्राइस ना 28,000-29,000 के आसपास कुछ चल रहा था, पर अपने पास तो माइनिंग रही है, अपने पास तो बिटकॉइन की बेकरी लगी हुई है, तो दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, ये बिटकॉइन को कर देता हूँ मैं पूरी तरह से सेल, और अभी भी शो हो रहा है, और इससे अपने को $95 वगैरह वो मिल रहे हैं भाई। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर देखेंगे तो नहीं नहीं अभी इसको माइन होने देते हैं, तो अभी हम कुछ टाइम के अंदर ना इथेरियम भी खरीदेंगे और डॉज कॉइन भी खरीदेंगे, मगर डॉज के अंदर ना हम थोड़ा बहुत ही पैसा लगाएंगे, इथेरियम के अंदर हम दूसरा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन के बाद इथेरियम का ही नंबर आता है। तो अभी हमारे पास में $46,616 हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया अमाउंट है। जामा जोर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले AC के अंदर जाते हैं, और ये जो बढ़िया वाला AC है ना, तो ये 2 AC परचेस कर लेते हैं, क्योंकि AC की अभी अपने को जरूरत है, और उसके साथ में ना यार ये वाला नहीं यार, इस जमीन के ऊपर रखूंगा तो खामखा जगह हो जाएगी, और ये आर्केड मशीन भी हमको परचेस करनी है, मगर पहले कंसोल वाला काम फिनिश हो जाए अपना, उसके बाद में करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये गेमिंग कंसोल, ये लो गेमिंग कंसोल, जियस गेमिंग कंसोल, गेम स्टेशन 5, गेम स्टेशन 4, ओ भाई साहब, तो एक काम करना पड़ेगा, हम 3 प्लेस्टेशन 5 खरीदेंगे और 3 एक्सबॉक्स खरीदेंगे, ताकि 3-3 की अपने पास में वैरायटी रहे। तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 अभी 3-3 इसलिए प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स खरीद रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं ये कितनी ज्यादा जगह लेंगे, तो बस इसीलिए। इसके साथ में मेरे को और कौन सी चीज की जरूरत है, चेयर की तो अभी अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि चेयर वाला काम खत्म हो गया, जॉयस्टिक चाहिए अपने को एकदम बढ़िया वाले, तो हम एक काम करते हैं, ये तो PS5 का जॉयस्टिक लग रहा है ना मेरे को, और ये है एक्सबॉक्स का, तो हम एक काम करते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ठीक है, 3 इसके जॉयस्टिक, 3 इसके जॉयस्टिक। उसके साथ में मेरे को और कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, और तो मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डेस्क हम थोड़ा अच्छा वाला खरीदेंगे, लास्ट टाइम हमने ये वाला खरीद लिया था क्योंकि सस्ता था, जब हमारे पास में उतने ज्यादा पैसे थे नहीं। और यहाँ पर अगर टेबल देखोगे तो कंसोल टेबल के अंदर सिर्फ ये 1, 2 और 3 ही टेबल है, बस ज्यादा नहीं है, और सबसे महंगा ये 1120 का टेबल है। तो एक काम करता हूँ ना मैं, 1, 2, 3, 4 और 5 खरीद लेता हूँ ये, ठीक है। अब बारी है टीवी खरीदने की, तो टीवी सबसे बढ़िया वाली खरीदेंगे हम, कंसोल टीवी, छोटे मोटे टीवी नहीं खरीद रहा मैं, $1200 की सीधा 5-6 टीवी खरीद लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, चलो टीवी का भी काम हो गया, और कुछ बचा है, सिर्फ VR वाली चीजें बची है, कुछ पेंटिंग वगैरह वो बचा है, सारा का सारा खरीदेंगे मगर कुछ टाइम के बाद में। अभी सबसे पहले इसका टोटल बिल अगर हम चेक करेंगे तो $27,102 हो गया भाई, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो फटाफट से इसको कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है, अपना ऑर्डर वो ऊंट के ऊपर लेके आता रहेगा जब तक हम शॉप को करते हैं अपनी अपग्रेड, क्योंकि अभी ऊपर का फ्लोर खरीदना बाकी है। तो अपग्रेड के अंदर जा करना, सबसे पहले अपस्टेयर्स $2400 में अनलॉक करते हैं। सिर्फ अपस्टेयर्स में एक रूम नहीं, हम अपस्टेयर्स में 2 रूम खरीदेंगे, और आइटम के अंदर अगर देखेंगे तो ये ओल्ड स्पीकर मिल रहा है अपने को $490 का, तो वो भी ले लेते हैं, और एक बड़ा वाला स्पीकर भी लेते हैं, और भाई साहब 2-2, 3-3 स्पीकर की जरूरत, मगर एक स्पीकर नीचे, एक स्पीकर कॉर्नर में और एक स्पीकर ऊपर रहेगा ना, तो देखते हैं चलो। मगर उससे पहले एक स्लाइडिंग डोर की अपने को जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर होना काफी ज्यादा जरूरी है, और टॉयलेट के अंदर एक सेक्शन बचा है ना, तो वहां पर हम यूरिनल का रख देंगे, और एक फ्रिज भी ले लेते हैं, और एक मिरर कम है तो एक मिरर लगा करना, हैंड ड्रायर और लिक्विड ही बचा हुआ है तो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। तकरीबन हमने पूरी शॉप को अपग्रेड कर दिया, और अब बचा है कलर का काम, तो कलर में जो हमने अभी दीवारों को कलर किया ना, मेरे को उसमें मजा नहीं आ रहा, तो हम बढ़िया वाला कलर करेंगे। हमारा व्हाइट चेयर है, तो मैं सोच रहा हूँ दीवार का कलर भी अगर व्हाइट रहे तो काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ये दीवार ना मेरे को व्हाइट और ब्लैक टाइप लग रही है, और उसके साथ में नीचे अगर चेक करेंगे तो नीचे इतनी कुछ खास दीवारें है नहीं, तो क्या किया जाए मेरे समझ नहीं आ रहा। एक काम करते, $200 है ना, तो इन्वेस्ट करके देखते हैं, अगर बढ़िया लगेगा तो ठीक, वरना हटा देंगे। और यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई साहब ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है ना।
था पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो। ओहो, और उसके साथ में एक बार टॉयलेट में जाकर चेक करते हैं तो ये साइड में एक मिरर नहीं था, तो ये साइड में मिरर आ गया, इधर यूरिनल का आ गया, यहाँ पर हैंड वॉश आ गए, हैंड ड्रायर आ गया, एक कमोड की जगह खाली है तो इधर भी एक कमोड और लगा देंगे, दिक्कत नहीं है, वरना लोगों को नंबर लगा कर ना खड़े रहना पड़ेगा। और बाहर हो रहा है आतंकवादी हमला, और ये क्या हुआ? अच्छा इधर ग्लिच हो गया, ये टेबल को मेरे को हटा के ना यहाँ पर रखना पड़ेगा भाई, मैं वही तो सोचू कि यहाँ पर ऐसे क्यों हो गया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये टेबल को उठा कर ना मैं कुछ देर के लिए इसको इधर रख देता हूँ, और जितना भी ये सामान है ना, ये सारा का सारा सामान ना जो कंप्यूटर का है उसको ऐसे क्रॉस करके अभी फिलहाल के लिए प्लेस कर देंगे। और माइनिंग रिग का एक काम करते हैं, माइनिंग रिग को ना हम ऐसे करके इधर से चिपका कर लगा देंगे, ठीक है। और ये मॉब वगैरह वो सारा का सारा ना मैं इधर फ्रिज के पास में रख देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। और ये एक चेयर मेरे पास में एक्स्ट्रा पड़ी हुई है भाई, तो चेयर को भी इधर लगा देते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज और मैंने परचेस किया ना, तो ये वाला भी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, 6 से 7 पीसी हो जाएंगे हमारे पास। फिर करते हैं मगर धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजें करेंगे। और अभी जाके चेक भी करना है कि मैं और माइनर्स खरीद सकता हूँ या नहीं, मतलब और माइनिंग रिग को अपग्रेड कर सकता हूँ, और ग्राफिक कार्ड वगैरह वो सारा का सारा खरीद सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर में ना बहुत दबा के माइनिंग होने वाली है। मतलब ऐसा समझ लो मेरा ऐसा टारगेट है कि रोज का 1 BTC हम माइन करें, और सिर्फ BTC नहीं इथेरियम भी होगा उसके अंदर। भाई साहब तो लगा लो तुम, बस सोच लो कि कितना पैसा अभी आने वाला है। और यहाँ पर रख दिया हमने, और ये दूर से तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना भाई, यहाँ कॉर्नर से लगाएंगे क्योंकि ये छोटी वाली मशीन है और अभी आना बाकी है। और डंडे को रखना है अपने को ठीक अपने बाजू, क्योंकि कभी भी हमारी हो जाती है लड़ाई, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के भी हाथ से पिट जाऊं। और ये करने तक ही हमने अभी बिटकॉइन माइनिंग रिग से कितना ज्यादा पैसा बना लिया होगा, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है, वैसे मैं एक कलर करूं या नहीं करूं, ब्लू वाला कलर अगर मैं कर दूं तो क्या वो बढ़िया लगेगा? पहले तो चेक करता हूं ये वाला लुक मेरे को अच्छा लग रहा है, मगर लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही है। और ये देख रहे हो कलरफुल स्पीकर हर एक कॉर्नर में ढेचू बजता रहेगा। वैसे यहाँ पर भी एक छोटा ना सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पर भी बंदे लोग आके बैठ सकते हैं, मगर ऊपर का फ्लोर पहले चल के चेक करते हैं। भाई साहब यहाँ देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया सिस्टम आएगा, मतलब पूरा प्रॉपर गेमिंग रूम बन जाएगा। यहाँ पर तो मैं लाइन से पीसीज लगा सकता हूँ, मतलब फुल भर भर के पीसी। और ये वाले सेक्शन में ना पूरे भर भर के गेमिंग कॉन्सोल्स, जरूरी नहीं है नीचे ही हम सारा का सारा रश करते जाए, मगर पहले नीचे का कम्प्लीट करेंगे फिर उसके बाद में ऊपर का करेंगे, क्योंकि 6 सिस्टम से तो अभी कुछ होने वाला है नहीं, ज्यादा ही सिस्टम की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो एक बार ब्लू कलर करके चेक करते हैं कि शॉप का लुक किस तरह से हुआ है। और भाई ये थोड़ा सा जगमगाता हुआ लग रहा है, पहले वाला ना थोड़ा सा डल लग रहा था, पर ये थोड़ा सा जगमग लग रहा है भाई। और $400 हमने कलर पे वेस्ट किए ना, एक ही कस्टमर अपने को $500-600 देके जाएगा, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मेरे को कुछ रखना पड़ेगा वरना पता चले कोई बंदा गिर जाए नीचे आके। खैर फटाफट से दरवाजा खोलते है क्योंकि अभी पसा रहा। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा पसा रहा गया। और यहाँ पर टमाटर की दुकान ने अपने को कितना पैसा दिए भाई, कुछ दिए नहीं दिए भाई, डॉन लग रहा है, हट जाओ यहाँ से। और शाम का वक्त हो गया, यस ये वाला बढ़िया वाला टेबल है, इसको भी सजा देते हैं हम इधर बाजू से। और इसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही है ना, और ये वाला टेबल मेरे को ज्यादा बढ़िया लग रहा है इससे अगर कंपेयर करें तो। चलो इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं साइड में, ये वाली टेबल सजाएंगे हम यहाँ से लाइन से एकदम। और फटाफट से ना जितना सामान हमने मंगाया ना वो सारा का सारा सामान उठाकर अंदर लेके चलते हैं और उसको फटाफट से सजाते। यार मैंने स्लाइडिंग डोर को ना बाद में लगाना चाहिए था, ये ऐसे डिस्टर्ब करता रहेगा वरना हमको। 2000 years later. तो भाई लोग फाइनली सारी की सारी चीजें हमने सेटअप कर दी, मगर कुछ चीजों की अभी कमी हो रही है तो वो भी अपने को परचेस करना है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने लाइन से सारी की सारी चीजें लगा दिया, बस यहाँ पर ना जगह की कमी हो रही थी। मतलब इधर साइड टीवी तो आ रहा है मगर इधर टेबल भी आएगा फिर चेयर भी आएगी तो आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने सोचा फिर ये वाली जगह को ऐसे ही खाली रखते, एक टीवी को मैं इधर लगा दूंगा और इस वाली टीवी पर ना मैं PlayStation 5 लगाऊंगा। और यहाँ पर एक और ये 2 AC इतना कवर कर देंगे, तीसरा AC अपने को चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाए। मगर मेरे पास में अभी भी एक AC बचा हुआ है ना, तो एक AC को अपन लगाते हैं किचन साइड में ताकि अपने को भी तो हवा मिले। और एक काम कर दो, यहाँ पर अगर एंट्रेंस पे अगर मैंने कहीं AC प्लेस कर दिया तो क्या वो लगेगी? यहाँ लगा दिया तो यहाँ लगा के तो कुछ मतलब का नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी AC लगा हुआ है ना, तो
एक काम करते हैं, एक एसी को हम लगाएंगे इधर साइड में। ओ भाई ये कुछ ज्यादा गर्म नहीं हो रही रिग्स, एक बार चेक करता है इसका टेम्परेचर वगैरह, वो सारी की सारी चीजें एकदम सही है, हो गया इधर का। अभी अपने को ना मैंने सबके लिए सिंगल सिंगल जॉयस्टिक्स मंगाया था, मगर यहाँ पर ना डबल डबल जॉयस्टिक्स की जरूरत है, तो अभी मेरे को एक प्लेस्टेशन 5 का जॉयस्टिक मंगाना है, मतलब एक नहीं मंगाना है, तीन मंगाना है, क्योंकि एक इधर लग जाएगा दो इधर लग जाएगा, तो तीन प्लेस्टेशन 5 के जॉयस्टिक्स, उसके बाद में मेरे को तीन एक्सबॉक्स के जॉयस्टिक्स और एक टेबल मंगाना है, और उसके साथ में 1, 2, 3, 4 और 5 चेयर्स मंगानी है। तो सबसे पहले जो मेरी इन्वेंट्री के अंदर सामान रखा हुआ है ना, वो सारा का सारा सामान मैं बेच के आता हूँ सेकंड हैंड शॉप पर, क्योंकि जो सेकंड हैंड पीसी था वो पीसी को मैंने अपने इन्वेंट्री में रख लिया, मतलब टेबल जो एक छोटा टेबल पड़ा हुआ था, एक बड़ा वाला टेबल, अबे मैं इधर ही चेक कर लेना, मैं थोड़ी भाग रहा था वर रखा मखा $50-100 की ना ये फिर फाइन दे देता है। मिला कुछ नहीं मिला ना, निकल ले चुपचाप। तो इसको मैं कंसोल टेबल बेच दे रहा हूँ जो पुराना वाला था, ठीक है, और एक वुडन टेबल, और जो पुराना वाला पीसी हमने इससे परचेस किया था ना वो भी इसको सेल कर देते। तो ये हो चुकी अपने इन्वेंट्री क्लियर, मगर अब जाकर ना यहाँ पर एक बार चेक कर दे कि हम अब ग्राफिक कार्ड्स को खरीद सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन हो गए, मतलब ऐसे समझ लो गेम के ना 15 से 20 दिन के ऊपर हो चुका है, अभी 20 दिन से तो कई ज्यादा हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पर चेक करते तो नहीं, मैं अपने स्किल्स को जब अपग्रेड करूंगा उसके बाद ही मैं ये सारा का सारा परचेस कर सकता हूँ। चलो दिक्कत नहीं है, हम स्किल्स को अपग्रेड कर लेंगे हमारी, क्योंकि स्किल्स वाले पॉइंट्स अगर मेरे पास में देखोगे तो 248 पड़े हुए, जो कि काफी ज्यादा है भाई। और यहाँ पर जब मैं कैफे के अंदर आकर चेक किया तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर माइनर का 140 पे अनलॉक होगा, मगर उससे पहले कितनी सारी चीजें अनलॉक करनी है, और उसके साथ में यहाँ देख रहे हो फाइनल स्टेज है ये वाले माइनर की, मतलब यहाँ पर आने के बाद पता नहीं कितने ज्यादा माइनिंग रिग्स मैं डाल पाऊंगा। और ये मैं अनलॉक करने का कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये पता नहीं क्यों ये बता रहा है होल्ड करने के लिए माउस पे, और मैं काफी ज्यादा देर से होल्ड कर रहा हूँ मगर ये अनलॉक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, शायद राइट क्लिक से होल्ड से हो जाए या लेफ्ट क्लिक के होल्ड से हो जाए, नहीं पता, क्योंकि मेरे पास में अभी उतने पॉइंट्स भी है मगर तो भी मैं ना कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं इतने ज्यादा देर होल्ड करने के बावजूद भी मैं स्किल्स को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। खैर देखते हैं, मगर स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और एक बार बाहर चेक कर लेते, बाहर कुछ हमारा सामान छूटा है नहीं छूटा है, बाहर तो कुछ सामान नहीं छूटा, और यहाँ पर अगर देखोगे कलेक्शन $178 का हो गया, यहाँ से भी $178 ले लेते हैं, और तीन एक्सबॉक्स के जॉयस्टिक, तीन प्लेस्टेशन के जॉयस्टिक, एक टेबल और 1, 2, 3, 4, 5 चेयर्स मंगानी है अपने को। और बिल्स के अंदर देखोगे तो कितने बिल पड़े हुए, पुलिस वाला ही बिल पड़ा हुआ है यार, ये तो मेरी गलती नहीं थी, खामा का $20 की पर्ची काट दिया मेरी। और मेल के अंदर चेक करोगे तो ये तो उसी का मेल है पुलिस वाले का। तो सबसे पहले आते हैं चेयर के अंदर, और हमारी व्हाइट वाली फेवरेट चेयर कहाँ गई, तो अपने को ये चेयर चाहिए थी 5, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेयर आ गई। उसके साथ में चाहिए थी अपने को 1, 2, 3 प्ले स्टेशन के जॉयस्टिक और 1, 2, 3 एक्सबॉक्स के जॉयस्टिक, और बाकी तो कुछ था नहीं। तो फटाफट से इसको कर देता हूँ ऑर्डर, मगर इसका टोटल बिल हो रहा है 27,102 और मेरे पास में तो उतना पैसा नहीं है भाई, ये तो दिक्कत की बात हो गई, मतलब मेरे को इंटरनेट कैफे खोलना पड़ेगा। मगर एक काम करते ना, सबसे पहले ए चोर भागा कुछ तो लेके, बाउंसर जाके मार उसको, मेरा सिस्टम भाई कहाँ पर गिराया उसको मार के, क्या लेके भागा था, ओ गेमिंग माउस लेके भाग गया था भाई साहब, ये तो अच्छा हुआ हमने अलार्म लगाया है वरना दिक्कत हो जाती, और यहाँ पर चेयर वेयर सब गिरा के, अरे ये चोर की ऐसी की तैसी यार भाई, पूरी ऐसी की तैसी कर दिया यार इसने। एक काम करता हूँ इसको इधर रख के ना चेयर को कर देते हैं बराबर, यार पूरा पसारा कर दिया यार इधर, दिमाग खराब यार, ये पूरा सेट करना पड़ेगा फिर से। मैं कंप्यूटर पे मेरी नजर थी अभी जस्ट कुछ देर पहले, जब मैं सिस्टम वगैरह बराबर कर रहा था ना तो चोर आया था, मैंने उसको मार के भगाया, फिर आ गया बेगैर, क्योंकि एक बार भी ये गलती से टेबल वगैरह गिर जाए ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना, तो उसको जमाने के लिए ना बहुत ज्यादा देर लग जाती भाई फिर, क्योंकि उसके ऊपर रखी होती है 5 चीजें और वो 5 चीजों को ना अपने को बार बार उठा उठा कर रखना पड़ता है। चलो ये तो रख दिया यहाँ पर, और जब से आए है ना हमने अभी तक भी अपनी शॉप को ओपन नहीं किया, मतलब एक बार भी हमने शॉप को ओपन नहीं किया। तो एक काम करते हैं शॉप को ओपन करते सबसे पहले, ताकि अपने पैसे तो कम से कम चालू हो जाए, और फिलहाल के लिए सिर्फ जॉयस्टिक्स मंगा लेते, जॉयस्टिक्स के उतने तो मेरे पास में पैसे होने चाहिए। तो ये तीन चेयर मैंने हटा दिया हूँ यहाँ से, बस ये जॉयस्टिक का बिल हुआ है 3,822, तो उतने तो पैसे मेरे पास में है। उसके साथ में ना एक हमको टेबल भी तो चाहिए था,
तो वो टेबल वुडन कंसोल टेबल यही रहा ना $1120 का, तो ये भी एक परचेस कर लेता हूँ। और पहले ये 6 प्रोडक्ट डिलीवर होंगे, उसके बाद में बाकी के दूसरे प्रोडक्ट होंगे। दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। आ जाओ उठ के ऊपर बैठ कर। और ये आ गए हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट भाई साहब। चलो ये है जॉयस्टिक, तो फटाफट से सारे के सारे जॉयस्टिक लगाते थे। बस अपने को करना पड़ेगा जुगाड़ और फिर चेयर का। तो हम चेयर के लिए एक काम करेंगे, छोटी मोटी कोई सादी सीधी चेयर खरीद लेंगे कुछ टाइम के लिए, बाद में जब पैसे आ जाएंगे। वैसे शॉप जैसी खोल दूं ना मैं तो पैसों की बारिश हो जाएगी अपने पास में, क्योंकि अब अपने पास में इतनी सारी चीजें आ गई है धीरे धीरे करके, क्योंकि देख रहे हो काफी ज्यादा स्पीड से हमने अपग्रेड कर लिया है। मगर सबसे ज्यादा थैंक यू तो हम बिटकॉइन को बोलेंगे, क्योंकि बिटकॉइन ही एक ऐसी चीज है। ये शॉप हमारी अभी बंद है मगर तो भी हमारे पैसे रुक नहीं रहे, इनकम हमारी अभी भी चालू ही है। तो ये है क्रिप्टो वाला पावर। और तेरी ऐसी की तैसी, तेरी तो निकल। बैगर को तो नहीं धो दिया मैं पकड़ के। और शाम का वक्त फिर से हो गया, और इधर का तो हो गया ना। तो एक काम करता हूँ, टेबल को फटाफट से ऑर्डर देते, क्योंकि बाकी का तो टेबल के ऊपर ही आएगा ना। तो ये टेबल का भी मैंने ऑर्डर दे दिया। अभी मेरे पास में $5,846 बचे हुए है, जो कि ठीक ठीक अमाउंट है, ज्यादा नहीं है। मगर मैंने बोला ना हमको कुछ भी देर नहीं लगेगी पूरा का पूरा पैसा रिकवर करने में। और क्या मैंने जॉयस्टिक एक्स्ट्रा मंगाया नहीं ना, एक्स्ट्रा जॉयस्टिक का मैं करता क्या फिर। तो बस टेबल का इंतजार है, जल्दी से टेबल आ जाए ताकि PS5 उसके ऊपर रख दे हम, और फिर उसके बाद में चेयर के लिए पैसे जमा करने अपने को। मगर 5,000 में कम से कम हम 1, 2, 3, 4 चेयर तो मैं खरीद लूंगा एकदम आराम से, दिक्कत नहीं है। और ये है अपना टेबल, तो कर देते हैं इसको प्लेस इधर। यहाँ पर लगाते हैं जॉयस्टिक्स बढ़िया वाले, और ये रख देते हैं यहाँ से PC5 साहब। सिर्फ और सिर्फ चेयर की कमी हो रही है अपने को, बाकी अपने पास हर एक चीज रेडी। और मेरे बैग में जितना सामान पड़ा हुआ था ना, वो सारा का सारा सामान मैंने यहीं पर फेंक दिया, ताकि कुछ भी कल को लड़ाई हो हमारी तुरंत यहीं से डंडा उठाएंगे और यहीं से पेल देंगे। तो चेयर के अंदर अगर हम जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 चेयर चाहिए थी हमको। 5 चेयर का एक बार टोटल बिल चेक कर लेते हैं हम। 5 चेयर का टोटल बिल कितना हुआ यार, मतलब शायद से पहले मैं कुछ गलत देख लिया था जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। मगर इतने पैसे में तो हमने पूरी चीजें मंगा ली, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमसे छूट गई हो। हमने तकरीबन सारी चीजों को तो ऑर्डर कर दिया है, बस अलग अलग ऑर्डर किया है, दिक्कत नहीं है। और ये सिस्टम को किसने फेंक दिया अब यहाँ पर, क्या हो रहा है इधर। खैर चलो, सारे के सारे पीसी रेडी हो गए। कुछ तो ग्लिच हुआ था जिसके वजह से ना ये चीजें यहाँ से हट गई थी। तो बस फटाफट से चेयर आ जाए, और ये चेयर आ गई भाई। चलो फटाफट से लगा देते इधर सारी की सारी चेयर। मैं पहले सोच रहा था बीम बैग मंगाएंगे, मगर वो बीम बैग मैंने इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि वो मैं ढूंढा तो मेरे को मिले ही नहीं, वरना वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सस्ते होते हैं ना, तो अपना उसके अंदर काम हो जाता था। खैर यहाँ पर फटाफट से सारी की सारी चेयर लगा देते, ऑलमोस्ट अपना काम हो चुका है खत्म। अब सीधा करूंगा मैं दुकान को ओपन, और फिर चालू कर देंगे पैसों की बारिश, क्योंकि अब तो हमने अपने गेमिंग पार्लर को, अपने कैफे को एक्सपेंसिव कैफे में कन्वर्ट कर दिया है। और कुछ टाइम के बाद अगर ऐसे ही कस्टमर फ्लो बना रहा तो हम इसको वेरी एक्सपेंसिव कर देंगे। और भाई साहब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से। अबे ये कुछ ग्लिच हो गया क्या? हाँ भाई ये कुछ ग्लिच हो गया, जिसको मैं वो नहीं कर पा रहा, मतलब इसको अनबॉक्स नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ पैसे आए, $26 आए ना। अरे यार ये इसको मैं खोल क्यों नहीं पा रहा, अबे ये कौन सा ग्लिच है। एक काम करता हूँ मैं, शटर लगा के ना थोड़ा सा सो के आता हूँ, क्योंकि हम काफी ज्यादा थक गए हैं और गेम भी हमारे को सेफ करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना गेम कहीं करप्ट हो गया ना तो इतने घंटे से हम जो मेहनत कर रहे हैं ना सारी चीजों को रखने में, वो एक झटके में चले जाएगी। तो आ चुके हैं हम अपने घर, सो गुड नाइट। A few moments later. तो हो चुकी एकदम प्यारी सी सुबह, चलते फटाफट से अपनी दुकान पर। रात को तो दरवाजा खुला ही रख दिया था भाई मैंने। तो Netflix गेमिंग पार्लर में आप सबका स्वागत है। अब बारी आ चुकी है गेमिंग पार्लर को चालू करने की, कैफे को ऑन करने की। खामखा $600 का नुकसान हो गया यार भाई मेरा। यार पता नहीं क्यों, मगर ये वाला कलर भी मेरे को थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। और यहाँ पर कौन सी चीज की कमी है, सारी ही चीजें तो मैंने लगा दिया हूँ। प्ले स्टेशन क्या बराबर से लगा नहीं था क्या? अब लगा है ना भाई, कुछ तो हिल डुल गया था जिसकी वजह से बंद हो गया था वो। तो ये वाला कलर पे मेरे को शक हो रहा है, तो तुम लोग बताना कि मैं कौन सा कलर करूँ अपने गेमिंग पार्लर के अंदर, क्योंकि ये मेरे को ठीक ठीक लगा तो मैंने ये कर दिया, या फिर चढ़कता भड़कता कलर करना है। जो भी कलर तुम्हारा फेवरेट है मेरे को कमेंट करके बस बता दो, मैं गेमिंग पार्लर को वही कलर करूंगा। अभी सीलिंग और फ्लोर का कारपेट भी अपने को चेंज करना था ना, मगर एक सेकेंड, इतनी देर में तो मेरा पार्सल आ गया होगा। यस ये मेरी चेयर आ गई भाई, कुछ तो ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से वो पता नहीं उसको मैं खोल नहीं पा रहा था। ये चेयर को लगा देते हैं इधर, सारी की सारी चीजें सेट हो गई।
काफी ज्यादा बढ़िया भाई, ये नीचे ही हमने इतने ज्यादा सिस्टम लगा दिए कि अभी तो ऊपर लगाना बाकी है, कितना ज्यादा पैसा कमाने वाले हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी मेरे पास में $1,942 है। एक काम करता हूँ मैं, पूरे ही पैसे खत्म कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हम गेमिंग पार नहीं, मगर बिल वगैरह वो पे करने के लिए कुछ तो पैसे, मगर क्रिप्टो अपने पास में इतनी देर में देख रहे हो यहाँ पर हमने और काम करने तक कितना ज्यादा पैसा बना दिया। पहले मैं एक अमाउंट डाल रहा था तो $150 मिल रहा था, अभी एक अमाउंट अगर डालूंगा तो $9,706 अपने को मिलेगा। तो फर्क देख रहे हो, सिर्फ अपने सिस्टम को सेट करने तक हमने $9,000 कमा लिए। चलो कर दिया मैंने कैफे को फटाफट से ऑन, खुशबू वगैरह का तो टेंशन नहीं है। एसी को कर देते हैं ऑटो पर, पूरे के पूरे एसी कर देंगे ऑटो पर, वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि अपने को नहीं पता ना कि किसको कौन सा टेम्परेचर लगेगा। और निकल बे यहाँ से, और ये हमारा पहला कस्टमर आया और ये यहाँ आके बैठ गया। ये तीन तीन कस्टमर, चार चार कस्टमर। ओहो बैठो 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 भाई, दिक्कत नहीं है, बैठो बैठो, जितनी देर बैठना है बैठो यार, तुम्हारा ही कंप्यूटर है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है, बस तुम खेलने आए हो। ऑर्डर भी आ गए भाई, पूरे के पूरे ऑर्डर अप्रूव, सारे के सारे ऑर्डर अप्रूव कर दो, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए, सारे का सारा ऑर्डर अपने को मिलना चाहिए। कस्टमर्स आते जा रहे हैं, पैसे की बारिश होते जा रही है और यहीं पर बैठे बैठे ना एक काम करता हूँ मैं, ये किसकी रिक्वेस्ट आई, बैठो ना भाई। ए किधर, हेलो, बगैर पैसे दिए कैसे भाई, हैं बगैर पैसे दिए, अरे पैसा देना होता है पैसा। आज आ दुकान में, दुकान में, दुकान में, हाँ इधर आ, टॉर्च कर रहा देख रहे हो। और ये आया है, ए ले तेरी ऐसी की तैसी, इसको इधर ही फेंकता हूँ, इसके ऊपर आते ही खोपड़ा खोल दूंगा सबका, छोड़ूंगा नहीं किसी को। देख वो बंदा जा रहा है बगैर पैसे दिए, देख वो बंदा जा रहा है बगैर पैसे दिए, मार साले को भाई, ये तो मेरा नुकसान कर देंगे ये लोग। और चोर आया, चोर को भी दे दे। अबे अब क्या चीज की जरूरत है, अब क्या चीज की जरूरत है, बाहर चोर खड़ा उसको तो तू चेक नहीं कर रहा, यहाँ पर मेरे को चेक कर रहा है भाई साहब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने को यहाँ पर ना खुशबू भी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, खुशबू भी मेंटेन करके रखनी है पूरे पार्लर में अपने को। टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया पार्लर, एकदम बढ़िया सर्विसेस मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर, भूल जाओ अभी बाकी सब पार्लर, ठीक है। और एंटीवायरस तो अपना काम कर रहा है ना खुद ब खुद ही, सारे के सारे पीसी को हर एक चीज को स्कैन कर दे। $50 पर डे का प्रीमियम मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है एंटीवायरस का। और रिव्यू के अंदर अगर देखोगे, आई डू नॉट सजेस्ट है, अब क्या हो गया, गिव मी 1 hour for फ्री, आई विल इंक्रीज द स्कोर, ओके। मगर दिक्कत है, चलो देखते हैं देखते हैं, कुछ टाइम के बाद में देखेंगे, फ्री में हम करेंगे। पैसा लेके भाग रहा है, मार उसको जाकर। एक काम करता हूँ मैं, ये वाला कलर करके देखू या फिर ये वाला कलर करते दुकान में, और चेक करना है बस, भाग रहा है क्या, नहीं भाग रहा नहीं ना। और ये कलर भी बढ़िया लग रहा है मेरे को, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आते जाओ आते जाओ आते जाओ, पकड़ उसको, मार साले की ऐसी की तैसी कर दे। $290 लेके भाग रहा था यार, ये लोग को शर्म नहीं है, बगैर पैसे दिए भाई चले जा रहे, दिक्कत ही नहीं है। ये अप्रूव कर देता है इसकी रिक्वेस्ट सारी की सारी, ऑर्डर, यस ऑर्डर भी मिल गया ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो आई लाइक कोल्ड प्लेसेस, भाई तेरे को ठंडी लग रही है, मैंने एसी ऑटो पर करके रख दिया भाई। फुल रश है अपने गेमिंग पार्लर में, देख रहे हो $4,213 हमने अभी तक बना लिए भाई। तो शेफ चॉकलेट का ऑर्डर आया, फटाफट से बना के दे दे बंदे को, और पैसे यहाँ पर है, मार खाएगा जाएगा तो। थैंक यू सो मच, $190। फर्स्ट कस्टमर है जो अपने को पैसा इधर कहता देके जा रहा, जाबिर भाई पैसा दो, पैसा पैसा, हाँ पैसा चाहिए भाई। $911 लेके ये चुपचाप यहाँ से निकल रहा था। वैसे ये वाला जो हमने अभी कलर किया ना, ये वाला भी कलर काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ कर रहा हूँ रिक्वेस्ट अप्रूव, दिक्कत नहीं है, कर रहा हूँ अप्रूव, होल्ड करो जरा सा, टाइम लगता है, अकेला बंदा हूँ मैं कैफे को संभालने के लिए। तीन तीन रिक्वेस्ट है, चलो कर दिया, चारों की चार रिक्वेस्ट अपग्रेड कर लिया। उसके साथ में ना आइटम्स के अंदर जाकर हमने सारी की सारी चीजें कर ली या नहीं करी, तकरीबन सारी चीजें कर ली, टॉयलेट बचा था, टॉयलेट परचेस कर लेते। कलरिंग के अंदर हमने सारी की सारी चीजें कर ली, अब अपने को ना एक दो बंदों को बाहर खड़े रखना पड़ेगा। ए बेटा पकड़ना उसको जरा, जाके धो दे, यस ये हुई ना बात। और फ्लोर का पेंट अगर मैं ये कर दूं, फ्लोर कैसा लगेगा एक बार चेक करता हूँ। ये तो फुल जगमगा रहा है भाई, अपना फ्लोर काफी ज्यादा जगमगा रहा है। खैर तुम लोग ही मेरे को कमेंट करके बताना क्या कलर कॉम्बिनेशन सीलिंग का, दीवारों का और फ्लोर का मैं कैसे रखूं, ठीक है। भाग रहा है, पकड़ दे उसको। तो और कुछ चीजों की अपने को जरूरत है नहीं है, सारी ही चीजें मैंने कर लिया, बस ये बड़ा वाला स्पीकर नहीं है ना। चलो बड़ा वाला स्पीकर भी परचेस कर लेते हैं भाई। शॉप कुछ ज्यादा नहीं हमने बढ़िया बना दी कुछ ही टाइम के अंदर। कर रहा हूँ अप्रूव, ए मत कर, और रिव्यूज चेक करना है मेरे को बस, डोंट वेस्ट योर मनी यार, इट्स अ
लिटिल कोल इनसाइड। अबे ठंडा रखू या गर्म रखू, ये गर्मी बोल रहा है, ये ठंडी बोल रहा है। नॉर्मल पे तो रखा मैंने। पैसे देखोगे तो $5,453 हमने कमा लिए। मैंने बोला ना पैसे की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही देर के अंदर। मगर अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो वेंडिंग मशीन की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको परचेस करके लगा दिया है। और पैसे लेके खड़े हो भाई, सॉरी $800 लेके खड़े थे। दीदी इधर आओ, दीदी बाहर जाओगी मार खाओगी। लाओ पैसे। चलो इसने कार्ड से भी अपने को पैसे मार दिया, टिप भी मिल गई। टिप तुरंत बटोर लो, दिक्कत नहीं है। कितना हुआ तेरा? चल दे तू भी पैसा। बाहर जाएगा मार खाएगा, इधर पलट जा चुपचाप से। चलो $700 इसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है भाई। फुल जा रहा है अपना पार्लर। और इसको एक काम करता हूँ, ये चालू है नहीं है पता नहीं, चालू है यानी। और ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया? मतलब टीवी निकल के गिर गई यार, ये चीजें खुद ब खुद तो नहीं गिरती है? मेरे को ऐसा लग रहा है चीजें खुद ब खुद ये बंदी एनी में देख रही है बैठकर। अरे टीवी कैसे क्या गिर रही है खुद ब खुद? ये भागा वो, अबे भाग रहा है। पैसे नहीं, पैसे दे दिया इसने शायद से, दे दिया ना, गलती से मार दिया मैंने नजदीक माता, गलती से मारा हूँ। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। ओ भाई रिक्वेस्ट कितनी सारी पड़ी हुई है, बैठ जाओ सारे के सारे बैठ जाओ भाई, दिक्कत नहीं है। 4 ऑर्डर आ गए 5 ऑर्डर आ गए फटाफट से शेफ क्या कर रहा है, सारे के सारे ऑर्डर निपटा दे भाई। और अगर BTC में अब हम एक नंबर डालेंगे तो अपने को कितना पैसा मिलने वाला है पता है? $11,731 जो की काफी ज्यादा बढ़िया अमाउंट है। और किस चीज का मेल आया हुआ है? अरे भाई बिल पे करना है ना, दिक्कत नहीं है, बिल कर रहा हूँ मैं तुम लोग का, पे टेंशन मत लो। अबे सारे के तो बिल मैंने ऑलरेडी पे कर दिया हूँ, अभी क्या चीज का बिल है फिर? और अब काफी ज्यादा रात हो गई ना, धीरे धीरे करके कस्टमर जा रहे। दीदी पैसा देना होता है, दीदी पैसा देना होता है, दीदी बोला ना दीदी पैसा देना होता है। खामखा मार खा लिया ना, इज्जत का फालूदा कर दिया ना। और काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है अपनी तो। अरे ये मेरी चीजें कैसे क्या गिर रही है, हैं? ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी की सारी चीजें कैसे क्या गिर रही है पता नहीं, मगर नजर रखनी पड़ेगी अपने को सब जगह पर, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चलो हो गया ना काम यहाँ का, चल उतना कर दे। मैं अब कैफे को करता हूँ बंद क्योंकि रात में कस्टमर्स वैसे भी नहीं आते। चलो कर दिया कैफे को बंद। और धीरे धीरे करके अपने जो बैड रिव्यूज है वो गुड रिव्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इतने बड़े बड़े हमने स्पीकर लगाए मगर गाना तो बजा के देखा ही नहीं भाई। नॉइस बॉय, बस कॉपीराइट का इसका लोचाना हो। जब रात को सब जाते हम गाने बजाते। ओह माय गॉड, और ये थोड़ा सा साइलेंट वाला लग रहा है मेरे को, पता नहीं ये शायद से साइलेंट वाला हो, ये इसके अलावा भी और है, या फिर रिपीट पर बजाते रहेंगे, या फिर शफल करेंगे, या फिर पॉज कर देंगे, सीधा काम बाद में बजाएंगे कभी। तो हमने गेमिंग कंसोल का प्राइस तो बढ़ाया नहीं, इसको भी हम एक्सपेंसिव कर देते भाई। वेरी एक्सपेंसिव नहीं, सिर्फ एक्सपेंसिव, क्योंकि हम अकेले हैं इस शहर के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। और सारे के सारे कंप्यूटर्स के ना वॉलपेपर भी चेंज कर देते, ये वाला मेरे को बढ़िया लग रहा है। तो खैर अभी जाकर हम सो जाते हैं, और बस बढ़िया लग रहा है मेरे को, बस बढ़िया लग रहा है मेरे को। मस्कॉट इधर खड़े करना था मगर मैं काफी ज्यादा देर से पीसी में ढूंढ रहा हूँ मगर मेरे को मिल ही नहीं रहा, पता नहीं इस गेम में ना बहुत सारे ग्लिचेस चलते रहते हैं, समझा चोर? तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर पे और जाके आराम करते है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम से ना कंटिन्यू हम शॉप चलाए जा रहे हैं विदाउट ब्रेक, है कि नहीं, समझा है कि नहीं? तो अभी जाते घर, जाके थोड़ा सा आराम करते हैं और बाकी सारी चीजों को ना हम अगले एपिसोड में अपग्रेड करेंगे, समझे? बाकी सारी की सारी चीजों को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी चलते फटाफट से घर, आ गए हम अपने घर और जाकर ना मैं सो जाता हूँ कुछ देर के लिए। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो, मैं सेकंड चैनल पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि बहुत जल्द बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।